बहुत सारे कंपनी का पॉल फेशियल आता है, लेकिन ये बायोटिक का पॉल फेशियल है। पॉल फेशियल हम किसके स्किन के ऊपर करेंगे? जो थोड़ा डार्क, थोड़ा सांवले कलर का होते हैं उनके ऊपर करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और उनका स्किन थोड़ा फेयर दिखता है। इसीलिए पॉल सभी के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन ये वाला स्किन के ऊपर करेंगे तो ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलता है। पॉल फेशियल बहुत सारा कंपनी का आता है, लेकिन ये तो बायोटिक का है। देखते हैं क्या क्या इसमें है, और ये व्हाइटनिंग भी करता है स्किन को, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो जरा देखते हैं क्या क्या है। सिक्स वाला स्टेप है क्या है फिल है। देखो इसमें भी लिख दिया है वन स्टेप वन है, इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा है। जिसको भी मालूम नहीं उसे लाकर भी देख सकते हैं। स्टेप वन है, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, ये स्टेप फाइव। सही क्रीम में नंबर दिया है, पहले क्या करेंगे किसको करेंगे इसमें सब। तो चलिए हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे फेस के ऊपर, कैसे फेशियल करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। ये स्टेप वन है, ये क्रीम को हम मसाज करेंगे, 2 से 3 मिनट मसाज करेंगे और नेक और फेस के ऊपर पूरी तरह से मसाज कर देंगे। मसाज के बाद इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद ये क्लिंजर जैसा है, इसीलिए इसको 3-4 मिनट भी कर सकते हैं। आप भी फेस ज़्यादा डल है तो 3 से 4 मिनट भी मसाज कर सकते हैं। उसके बाद आएगा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये पाउडर बेसिस है, फेयर लाने के लिए पाउडर में है। उसको कोई भी रोज वाटर, कोई भी वाटर से इसको मिक्स करिए और फेस के ऊपर अप्लाई करिए। इसको रखेंगे 4 से 5 मिनट रखेंगे सूखने के लिए फेस के ऊपर। सूख जाने, ड्राई हो जाने के बाद उसको रिमूव करेंगे। 2 से 3 मिनट मसाज करेंगे, हल्का हाथ से मसाज करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद आएगा 3 में मसाज। ये क्रीम है, मसाज क्रीम फेशियल में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको क्या करेंगे, ये 10 से 15 मिनट मसाज करेंगे। इसमें है 10 से 15 मिनट मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद ये फेस और नेक में मसाज करेंगे पूरी तरह से, स्मूथ हाथों से करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद अप्लाई करेंगे पैक। 4 स्टेप में है पैक। पैक को इस तरह से ये लगा देंगे और सूख जाने के बाद उसको रिमूव करेंगे, वेट टिश्यू से रिमूव कर देंगे। उसके बाद अप्लाई करेंगे ये सीरम। सीरम 2 से 3 मिनट मसाज करेंगे हल्के हाथ से पूरी तरह से, जोर से नहीं, नहीं तो छोड़ दीजिए। मसाज ना कर छोड़ दीजिए, लगा दीजिए, टैप टैप कर छोड़ दीजिए। उसके बाद अप्लाई करेंगे ये मॉइस्चराइजर है, ये क्रीम बेसिस में है। ये दाग वगैरह सब दूर होने में हेल्प करता है। जिसके फेस के ऊपर दाग वगैरह है, पिंपल्स के दाग, पिगमेंटेशन है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसको आप लगा देंगे और फेस के ऊपर सूख जाने के बाद छोड़ देंगे। कुछ भी नहीं लगाएंगे 24 आवर्स के लिए। फेशियल करने के बाद आपको मालूम होना चाहिए 24 आवर्स के बाद आपको फेस के ऊपर कोई भी सोप और फेस वॉश लगाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर नहीं, 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद देखो बहुत अच्छा किट है, आप उसको ला सकते हैं, घर पर कर सकते हैं। आज तो मैंने इसका रिव्यू दिखा दी और नेक्स्ट टाइम इसका वीडियो भी, आपको फेशियल का वीडियो भी आपके लिए शेयर करूंगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। रहती हूँ, बाय।